वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 10 तारीख को सूर्य ग्रहण बीत गया, अब व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट ये है कि फ्रॉम 10th जून ऑनवर्ड्स टिल 4th दिसंबर, ये जो 6 महीने का समय है, आप अपनी अवेकनिंग के लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। From 10th June, you have entered into the last stage of your awakening. Believe me. And this awakening, that in the coming 6 months, will be divided into 3 phases. And each phase will be of 2 months each. We need to understand, हमें समझने की आवश्यकता है कि ये सब प्रोसेस क्यों हो रहा है। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि जब वो आए, उससे पहले जो आत्माएं उससे जुड़ी हुई हैं वो उनको ऑलरेडी अवेकन कर दे। और ये जो अवेकनिंग है वो कलेक्टिवली हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है। आप टाइमिंग देखिए, जस्ट वॉच द टाइम व्हाट इज हैपनिंग थ्रू कॉस्मिक एनर्जी। जो इसको रिलेट कर सकते हैं डीपली, उसको उनको ये समझ में आएगा। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है जो वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट हो गया है। और जैसे मैंने आपको कहा, द लाइन हैज बीन क्रिएटेड, द लाइन हैज बीन ड्रॉन एंड द कौरवाज एंड द पांडवाज हैज बीन सेपरेटेड। सो दोज हु आर पांडवाज एंड विथ लॉर्ड कृष्ण, this is the time, the next 6 months they are entering to the final stage of their awakening, and this phase will be divided in 3 phases and each phase will be of 2 months, my friends. It is the time when the phoenix will rise from ashes, jab sab kuch khatam ho jata hai tabhi sab kuch create hota hai, naya, एक नई शुरुआत होती है, एक नई बिगनिंग होती है। रिमेंबर द वर्ड फीनिक्स राइजिंग फ्रॉम एशेस। दिस इज द टाइम ऑफ योर लाइफ व्हेन द फीनिक्स विल राइज इन योर लाइफ। द पेन एंड द सफरिंग व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, डोंट वरी, दिस इज माई डीपेस्ट फेथ एंड बिलीव टूवर्ड्स दैट ऑलमाइटी दैट ही विल रिपे यू। He will reciprocate you in such a way that you will understand the charisma of God. It is the time when you are very much near to the closure. As I told you before, कि 26 मई से लेकर 10th जून का जो पीरियड है वो बड़ा ड्रास्टिक पीरियड है। बहुत उथल पुथल मचेगी जिनकी अवेकनिंग हो रही है, बहुत इंटेंस एनर्जी रहेगी, लेकिन अब वो जो एनर्जी है वो सेटल डाउन होगी। इट विल सेटल एंड देन इट विल सडनली राइज। इट विल बी अ सडन मोमेंट इन योर लाइफ, मार्क माय वर्ड्स, इट विल बी अ सडन मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू विल बी अवेकेंड। ऐसा होगा कि आप रात को सो रहे हैं और आप सुबह उठे तो आपके लिए दुनिया बदल गई है, और आप कुछ अपने बारे में ऐसा जान पाए जो आपने आज तक नहीं जान पाया। ये एक जर्नी है, डिफिकल्टीज आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो दृढ़ रहते हैं, जिनमें विश्वास होता है, उसे पार कर देते हैं, और जिनमें नहीं होता वह अधूरे में छूट जाते हैं। ये जो 6 महीने हैं, आपको बिलीव हो जाएगा कि आप अवेकनिंग के लास्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं और आप उस गोल से, उस मैनिफेस्टेशन से बहुत करीब है। अब आपको जो साइन लैंग्वेज है वो बहुत इंटेंस हो जाएगी, बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी। मेरे को जो नंबर्स आ रहे हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, इफ यू आर कनेक्टेड विद दीज नंबर्स, स्पेशली 919, आई एम गेटिंग इट, 919369,
818, ये जो नंबर्स है ये बड़े पावरफुल अफर्मेशन है आप सबके लिए कि यस यू हैव इंटर इनटू द लास्ट स्टेज एंड द प्रोसेस इज अबाउट टू कंप्लीट इन योर लाइफ. योर लाइफ इज अबाउट टू टेक अ ड्रास्टिक टर्न, अ ह्यूज टर्न अराउंड विल कम ऑकर इन योर लाइफ. दिस इज माई डीपेस्ट फेथ टूवर्ड्स दैट अलमाइटी that is giving me that guidance that yes my son it will happen. And I'm telling you my friends, it is going to happen with you all. If you are into this journey, the day will come in your life when you will witness that what you are longing from so many years. Jo pyaas hai wo complete hogi, koi nahi rok payega kyunki usko complete karna wala ishwar hi hai. तुमसे वही छीना जा सकता है जो तुम्हें ईश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन जो ईश्वर देता है वो कोई नहीं छीन सकता है फिर. और अब ईश्वर ही आपको देगा, वो देगा आपको अगर आप अलाइंड है. 9198183699. अगर अगले 6 महीनों में आप इस नंबर से कनेक्ट हो रहे हैं, मान लीजिएगा कि आप बहुत क्लोज आ चुके हैं आप उसको पाने में. और ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है. ये जो 6 महीने की मैं टाइम फ्रेम दे रहा हूं आपको, इसका मतलब ये नहीं कि ये 6 महीने लगेगा. नहीं, ये 6 महीने के अंदर ही सबके साथ अलग अलग तरीके से होगा. स्टार्टिंग फ्रॉम 10 जून टू 4th ऑफ दिसंबर ये स्टार्टिंग डेट है और 4th दिसंबर क्लोजर डेट है. एंड दैट्स इट. उसके बाद अवेकनिंग नहीं होने वाली है किसी की, कोई अवेकन नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक सारा खेल हो चुका होगा. वो सारे सोल बायफर्केट ईश्वर कर देगा और आपको महसूस भी करा देगा कि बेटा तू आ गया मेरे साथ, तू चिंता मत कर, आपका डर फियर सब खत्म हो जाएगा, कुछ महसूस नहीं होगा आपको, आपको मजा आएगा, आपको बड़ी खुशी मिलेगी. और ये खुशी कुछ ऐसी होगी कि बाहर से नहीं मिलने वाली, आपको आंतरिक महसूस होगी. आपको लगेगा कि आपके साथ क्या हो गया है, ऐसी फीलिंग जनरेट होगी आपकी. और जब फीनिक्स राइज होता है एशेज में, तो इसका मतलब ये होता है कि वो पूरा टूट जाता है, बिखर जाता है, मर जाता है और फिर वो अपने आप को वापस क्रिएट करता है. तो दिस इज अ टाइम ऑफ रिक्रिएशन ऑफ योर सोल. एज आई सेड इन माय सूर्य ग्रहण वीडियो, दैट इज इट इज अ टाइम ऑफ रीबर्थ ऑफ सोल. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग टू यू इन दिस वीडियो. दिस इज द टाइम व्हेन योर सोल इज रिक्रिएटिंग. दिस इज द लास्ट स्टेज इन विच यू विल फाइंड योर रियलिटी, द ट्रूथ ऑफ योर एग्जिस्टेंस. एंजॉय दिस पीरियड, बी हैप्पी, feel happy, that is very much near to you. He is very much near to you. Can't you feel this? He will make you feel, he will make you believe. Mind my words, this will happen with you. And then you will say, yes, it's a miracle that happened in my life. Jo maine believe nahi kiya wo mere saath ho gaya. ऐसा ही कुछ होगा आप सबके साथ में जो इस जर्नी में है. उम्मीद करता हूं दिस इज द टाइम देन यू स्टार्ट योर जर्नी विद दैट सेल्फ बिलीफ वंस अगेन दैट यस दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ माय लाइफ. द फाइनल काउंटडाउन हैज बिगन इन योर लाइफ माय फ्रेंड्स. एंड वंस दिस काउंटडाउन इज कंप्लीटेड देन यू विल सी दैट मैजिक मिरेकल मैनिफेस्टेशन and that charisma of God in your life. I hope this video boosts you up. Boost you up, my friends. Come on, get up. Feel energetic. This is the time we were waiting for. Be happy, be joyful, and see the magic which comes into your life. Thank you very much, my friends, for being a part of this video.